कुछ ही सालों में फाइनेंशियल फ्रीडम लेने का असरदार तरीका जानना चाहेंगे आप? मैं आपको इस वीडियो में यही समझाने वाला हूं कि कैसे मैं सिर्फ 7 सालों में अपने आप को फाइनेंशियली फ्री कर चुका हूं। सो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, क्योंकि बीच में मैं ये खास एक टिप देने वाला हूं कि कैसे मैंने इसको 7 सालों में पूरी तरह से आजमाया और सचमुच में फाइनेंशियली फ्री हो पाया। हेलो, मेरा नाम पूरन शर्मा है, मैं एक होलिस्टिक लाइफस्टाइल कोच हूं। सो इन सारे पॉइंट्स को आप भी अपने जीवन में आजमाइए और फाइनेंशियली फ्री हो जाइए। सो ये गोल्डन रूल्स मैंने द रिचेस्ट मैन इन बेबीलोन नाम की किताब से लिया है, जिसे मैंने खुद पढ़ा और पढ़ने के बाद समझ में आया कि मैं कहां गलती कर रहा था। मैं आज वो गलतियां भी बताऊंगा और प्लस मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप भी बहुत जल्द फाइनेंशियली फ्री हो सकते हैं। सो उसमें नियम क्या है? पहला नियम है, रूल नंबर 1, स्टार्ट फैटनिंग योर पर्स। मतलब आप अपने जो भी अकाउंट में पैसे आते हैं उसे पूरी तरह से खाली मत होने दीजिए, क्योंकि उसमें से जब भी आप बचाएंगे तो हर महीने जमा होते होते वो आपको समृद्धि का भाव देगा। और मैं कहता हूं कि आपको अपनी इनकम में से 10% बचा लेना चाहिए। सबसे पहले क्या करना है, पे योर सेल्फ फर्स्ट। बाहर खर्च करने से पहले सबसे पहले अपने लिए रखें और उसे धीरे धीरे बढ़ने दीजिए। रूल नंबर 2, मॉनिटर एंड कंट्रोल और एक्सपेंसेस। जो भी आपके मंथली खर्चे हैं, एक एक रुपया का हिसाब लिखिए एक बार बैठ के और पता लगाइए कहाँ पे जरूरी और कहाँ पे गैर जरूरी खर्चे किए हैं। और जो गैर जरूरी है या तो उसे टोटल अवॉइड कीजिए या तो थोड़ा कम कीजिए, जिससे आप अपने बकेट में होने वाले होल्स को आइडेंटिफाई कर पाएंगे और उसे बंद करेंगे तो फिर आपका बकेट में पानी भरने लगेगा, मतलब इनकम बढ़ने लगेगी। इट्स इजी टू अर्न मनी, पैसे कमाना तो आसान है, लेकिन उसे बचाना और उसे ग्रो करना एक बहुत बड़ी कला है जिसे आपको सीखना चाहिए। Spend less and save more. The whatever you are going to. So spend less, save more. कहते हैं कि money you save, the money you earn. So ज्यादा से ज्यादा बचाने की कोशिश कीजिए और धीरे धीरे अपने corpus को बढ़ा कीजिए। So next is rule number 3. Let your money multiply. Let your money work for you. मतलब don't work for money. Always let money work for you. उसके लिए आपको पता होना चाहिए कि पैसे कैसे बढ़ेंगे। जब मैं एयरफोर्स में था, नौकरी कर रहा था, 2016 तक मैं यही सोचता था कि सेविंग अकाउंट, फिक्स डिपॉजिट, PPF, पोस्ट ऑफिस की जो पॉलिसीज हैं या फिर यूनिट लिंक इंश्योरेंस प्लान ही सबसे अच्छा होता, और ये सब कुछ मैंने लिया हुआ था। ये ऐसे ही पैसे जमा कर रहा था, सोचता था कि मैं अमीर बनूंगा। लेकिन 2016 में मेरी आंखें खुल गई और तब पता चला कि इससे कोई फायदा नहीं। तब मैंने बाकी जगहों पर भी इन्वेस्ट करना शुरू किया और फिर मैंने देखा कि गोल्ड बॉन्ड्स भी होता है, तो गवर्नमेंट का सोवरेन गोल्ड बॉन्ड जो होते हैं उसे आप ले सकते हैं, क्योंकि फिजिकल गोल्ड में फिर भी डर होता है चोरी होने का, नुकसान होने का। लेकिन यहाँ पे आपको पूरी तरह से गवर्नमेंट का एक सिक्योरिटी होता है और उस सिक्योरिटी को लेते हुए पैसे को आप बढ़ा सकते हो, आपको कुछ इंटरेस्ट भी मिलता है। साथ में गोल्ड के जैसे जैसे भाव बढ़ते हैं आपको उसका पूरा बेनिफिट मिलता है, और जो लास्ट में आपको पैसे मिलते हैं वो टोटली आपका इनकम टैक्स रिबेट के साथ मिलता है, तो आपको इनकम टैक्स नहीं लगता। लास्ट में आप देखेंगे और क्या हो सकता है, रियल एस्टेट। ओके, आप कुछ ऐसे इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं जो आपको बहुत सारा प्रॉफिट देगा, चाहे वो कोई जमीन हो चाहे वो कोई घर हो, आप ले सकते हैं। यहाँ पे भी मैंने काम किया है। फिर होता है शेयर मार्केट। ओके, जहाँ पे शेयर होते हैं कंपनीज के, जो एक्चुअली बहुत रिस्की होता है, लेकिन अगर आप सोच समझ कर पूरी तरह से रिसर्च करके लंबे समय तक के लिए जुड़े रहने के लिए अगर आप इन्वेस्ट करते हैं तो शेयर मार्केट भी आपके लिए अच्छा है। लेकिन उसके लिए आपके पास टाइम होना चाहिए और आपको पूरा नॉलेज होना चाहिए कि, लेकिन अगर आपके पास टाइम नहीं है और नॉलेज भी ज्यादा नहीं है, कोई बात नहीं, आप म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं। आप एक लंपसम अमाउंट भी डाल सकते हैं, आप चाहें तो सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान से हर महीने कुछ न कुछ पैसे जमा कर सकते हैं। और ऐसा मैंने करना शुरू किया और पिछले 7 सालों में मैं देखता हूं कि मैं फाइनेंशियली फ्री हो चुका हूं। कैसे, मैं आपको एक नियम बताता हूं कि 15-15-15 रूल है। अगर आपको फाइनेंशियली फ्री होना है तो आपके अकाउंट में 1 करोड़ रुपए होना चाहिए, ऐसा मैं मानता हूं। तो ये नियम जो है कि 15,000 रुपीज पर मंथ आप SIP करो, जो कि मैं अभी बताऊंगा कैसे हो सकता है। उसमें अगर आपको 15% का इंटरेस्ट मिलने लगे, अगर मिलता है, तो आप 15 इयर्स में 1 करोड़ रुपए अपने अकाउंट में देख सकते हैं और ये आपकी लाइफ में प्रॉस्पेरिटी लेके आएगा। सो ये कैसे होगा? जो म्यूचुअल फंड्स की बात की थी, तो म्यूचुअल फंड में 3 तरीके के म्यूचुअल फंड्स आप मेजर मान के चले, वो है कि एक है लार्ज कैप, दूसरा है मिड कैप और तीसरा है स्मॉल कैप। ओके, आप रिसर्च करो उसके ऊपर, पूरा काम करो और आपको पता चलेगा कि पिछले 10 साल 20 साल
30 साल के जो हमारे पास रिकॉर्ड है, हिस्ट्री है, वो ये कहता है कि जो लार्ज कैप है बहुत ही सिक्योर्ड होता है, क्योंकि बड़ी कंपनी, बड़े स्टेब्लिश्ड होते हैं कंपनी, और वो आपको रिटर्न देते हैं, और रिटर्न मुश्किल से मान के चलिए 8-9-10% या 12% तक आपको मिल सकता है, तो ये ठीक है। लेकिन अगर आप मिड कैप में जाते हैं तो हो सकता है कि आपको 12-13-14-15% तक मिले, और अगर आप स्मॉल कैप में जाते हैं जहां पे रिस्क ज्यादा है, और अगर आप लॉन्ग टर्म में डालें तो रिस्क बहुत कम हो जाता है, और हिस्ट्री बताती है कि वहां पे आपको 15% तक का इंटरेस्ट एवरेज में मिला है। तो आप खुद रिसर्च करें, पता करें, और आप अकॉर्डिंगली इन्वेस्ट करें, और अगर आपको इसी तरीके से 15% का इंटरेस्ट मिल जाए तो आप सिर्फ 15,000 रुपए जमा करके 15 साल में करोड़पति बन सकते हैं। तो ये मैं देख चुका हूँ काम करता है, तो इसीलिए आपको इन्वेस्ट करना शुरू करना है। नाउ आते हैं रूल नंबर 4, गार्ड योर ट्रेजर्स फ्रॉम लॉस। जो भी आप पैसे जमा कर रहे हो, जो भी आपके पास संपत्ति है, उसका पूरी तरह से सुरक्षा का ध्यान रखो कि वो कैसे आपके पास रहे और कैसे आप उसे पूरी तरह से बचा के रख सकते हो, क्योंकि जब वो बचेगा तभी उसको आप बढ़ा सकते हो, तो इसका पूरा ध्यान रखना है। एंड देन रूल नंबर 5, मेक योर होम अ प्रॉफिटेबल इन्वेस्टमेंट। तो नियम यह कहती है कि जो भी आपका घर है एक्चुअली में वो एसेट नहीं है, वो लायबिलिटी है। लोग मानते हैं एसेट है, लेकिन मैं कहता हूं कि वो लायबिलिटी है, क्योंकि वो हर बार आपकी जेब से पैसे निकालता है, पैसे आपके पास नहीं आते। तो इसलिए आप या तो ऐसा कुछ प्रॉपर्टी लो, ऐसे कुछ काम करो कि आपका घर ही प्रॉफिटेबल बन जाए, उसमें आपको कुछ रेंट मिलने लगे, ओके। लेकिन अगर ऐसा संभव नहीं है तो मेरी तरह आप एक कुछ ऐसा काम कर सकते हैं ऑनलाइन घर से करने वाला, जो घर ही आपको पैसे दे। जैसे कि मैं एक ऑनलाइन कोच हूँ, पूरी दुनिया में ये काम करता हूँ और घर से ही करता हूँ, तो मेरे लिए ये घर एक एसेट है, लायबिलिटी नहीं, जो कि हर बार पैसे लेके आता है, पैसे जाता नहीं। तो इसी तरीके से आप भी अपने घर को प्रॉफिटेबल इन्वेस्टमेंट बना सके। एंड देन आते हैं रूल नंबर 6, इंश्योर अ फ्यूचर इनकम। ओके, कोशिश करो कि जो भी आप काम कर रहे हो वो कल जाके आपको एक पैसिव इनकम दे। जैसे कि इन्वेस्टमेंट की बात कर रहा हूँ, जो भी पैसे लगे हैं, जहां पर भी लगा है, वो धीरे धीरे बढ़ रहा है, तो हर पैसा मेरे लिए पैसा कमा के ला रहा है। सो क्रिएट अ सिस्टम सच दैट यू अर्न व्हाइल यू स्लिप। तो मैंने अपना काम जो शुरू किया है, जिसको होलिस्टिक कोचिंग प्रोग्राम बोलते हैं, इस पर्टिकुलर प्रोग्राम सिस्टम में मैं डिजिटल प्रोडक्ट्स बनाता हूँ, कोर्सेज बनाता हूँ, जिसे मैं पूरी सिस्टम के हिसाब से, जिसे मैं ऑनलाइन पूरी दुनिया में लोगों को दे रहा हूँ, जिससे लोग बार बार खरीदते हैं, और जब मैं सो रहा हूँ तब भी मेरे अकाउंट में पैसे आते हैं, क्योंकि ऐसा एक सिस्टम क्रिएट किया गया है। और ये कल जाके पूरी तरह से पैसिव भी हो सकता है, पूरी तरह से ऑटोमेटिक, जो धीरे धीरे हम उसी तरफ जा रहे हैं। तो आपको ये इंश्योर करना है कि आपको पैसिव इनकम मिलता रहे। एंड देन रूल नंबर 7, लर्न मोर टू अर्न मोर। तो कोशिश करें कि आपको ऐसा कुछ नया स्किल्स डेवलप करने हैं, नया नॉलेज लेना है, सो दैट आप वेल्थ क्रिएट कर सको। क्योंकि एक नियम है जिसको मैं मनी ट्रायंगल बोलता हूँ। मनी ट्रायंगल ये कहता है कि जितना आपका नॉलेज होता है, जितना आपका स्किल होता है, और जितना ज्यादा आपका एटीट्यूड होता है, अकॉर्डिंगली आप अर्न करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, 10,000 रुपीज पर मंथ अगर कमा रहे हो तो आपका मनी ट्रायंगल ऐसा छोटा दिखता है, लेकिन अगर आपको इनकम बढ़ानी है, फॉर एग्जाम्पल 50,000 रुपीज पर मंथ, तो देखिए ट्रायंगल बड़ा हो गया, क्योंकि नॉलेज का बेस बड़ा हो गया, स्किल बड़ा हो गया, एटीट्यूड बड़ा हो गया। लेकिन अगर आपको इससे भी ज्यादा इनकम चाहिए, 10 लाख रुपए महीना कमाना है, तो ऑफकोर्स आपका नॉलेज बेस बहुत ज्यादा होना चाहिए, एंड स्किल्स बहुत ज्यादा होनी चाहिए, एंड एटीट्यूड तो आउट ऑफ द वर्ल्ड होनी चाहिए। जब आप ये तीनों चीजों को इस तरीके से बढ़ाओगे, तो ऑफ कोर्स आपको कोई नहीं रोक सकता फाइनेंशियली फ्री होने के लिए। दैट मींस द मोर यू नो, द हायर योर वैल्यू इज, द हायर योर वैल्यू इज, हायर योर इनकम वुड बी। सो अपनी इनकम को बढ़ाएं, और जैसे जैसे आप अपनी इनकम को बढ़ाएंगे, तभी आप फाइनेंशियली फ्री हो सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक एंड शेयर कीजिएगा, और अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच, एंड नोटिफिकेशन बेल को दबाना मत भूलिएगा। सो सी यू इन नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय, टेक केयर, कीप हीलिंग, कीप स्माइलिंग, एंड रेकी ब्लेस यू।